एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं रश्मि की रेसिपीज। तो आज हम बनाएंगे तिल गुड़ पट्टी या तिल की चिक्की, आप जिस नाम से बुलाएं। तो इसके लिए हम सबसे पहले पैन को गर्म करके उसमें तिल डालेंगे और इसको लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट तक इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। तिल हमारे बन चुके हैं, इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। जितना हमने तिल लिया था और उसी कटोरी से हमने गुड़ को भी ले लिया है। तिल और गुड़ बराबर मात्रा में होने चाहिए। अगर आप बहुत कम मीठा का पसंद करते हैं तो थोड़ा कम ले लें। और इसमें डालेंगे हम 1/4 कटोरी पानी। उसी कटोरी के अंदाज से मैंने नाप लिया था। जब तक गुड़ हमारी मेल्ट हो रही है तब तक हम एक प्लेट में इसको घी से ग्रीस कर लेंगे। और इधर तिल हमारे ठंडे हो चुके हैं, इसको हम दरदरा पीस लेंगे। देखिए ऐसे ये हमने गुड़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें अपने तिल को मिक्स कर देंगे और इसको लगातार चलाएंगे। इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है। जैसे ही तिल और गुड़ सब मिक्स हो जाएंगे वैसे ही हम इसको बर्तन में पतला पतला फैला देंगे। वैसे इसको बेल के भी बनाते हैं, लेकिन हमने इसको आसान बनाने के लिए हमने इसको एक थाली में फैला दिया है। और इसको कटोरी की हेल्प से हम पतला पतला फैला देंगे। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट, काजू और पिस्ता से गार्निश कर देंगे और इसको भी अच्छे से प्रेस कर दें। चिक्की हमारी अभी हल्की गर्म ही है, तभी हमको इसमें काट लेना है, इसके निशान लगा लेने हैं, नहीं तो ये ठंडे होने के बाद काटना मुश्किल हो जाती है। इसमें हम कट के निशान लगा देंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से पीसेस काट लें। तो लीजिए हमारी चिक्की बनके तैयार है। देखिए ये कितनी कड़क है। देखने में ये थोड़ी सी मोटी है, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसान भी है। आप इसे फटाफट बना सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।